मोज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब, नशिस्त सुखन में आपका खैर मकदम है। पिछली नशिस्त में हमने आपकी खिदमत में प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म उर्दू पेश की थी। आज इसी सिलसिले में हम अपने एक अजीज़ दोस्त मरहूम अहमदुल्ला कादरी साहब की एक नज़्म पेश करेंगे। यह नज़्म मरहूम ने महफिल सुखन में पढ़ी थी, जो मैंने सन 1998 ईस्वी में कोलम्बिया साउथ कैरोलिना में मुनाकिद की थी। कादरी साहब का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन और हैदराबाद सिंध दोनों से था। उनका दीवान सदफ़ के नाम से उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गया था। पेश खिदमत है नज़्म उर्दू की कहानी उर्दू की ज़बानी। तराने उर्दू, उर्दू की कहानी और उर्दू की ज़बानी। मैं पैदा हुई हिंद के गुलशिता में, मैं पैदा हुई हिंद के गुलशिता में, इसी ब्रज भाषा के रोशन मकाम में, फली फूली आगोश शाहे जहां में, मैं मकबूल हूँ सारे हिंदोस्तान में, मैं खुद दास्तां हूँ, मैं खुद दास्तां हूँ, मैं उर्दू ज़बान हूँ। दिया ब्रज भाषा ने पहला सहारा, दिया ब्रज भाषा ने पहला सहारा, मुझे दूसरी सहेलियों ने पुकारा, मेरा हुस्न मिलजुल के सबने निखारा, मगर फारसी ने बहुत कुछ सवारा। दिया ब्रज भाषा ने पहला सहारा, मुझे दूसरी सहेलियों ने पुकारा, मेरा हुस्न मिलजुल के सबने निखारा, मगर फारसी ने बहुत कुछ सवारा। बहरहाल अब मैं हंसी हूँ जवां हूँ, मैं उर्दू ज़बां हूँ। ये हमेशा झगड़ा रहा है शुमाल और जुनूब का। शुमाल दावेदार है कि हम खिदमत किए हैं उर्दू की, जुनूब कहता है कि नहीं हम किए हैं। तो ये दोनों का फैसला परवरिश तो टकर नहीं हुई दोनों का। बराबर मुलाहिज़ा फरमाइए, सिराज और वली थे परस्तार मेरे, ये दक्कन की शायर। सिराज और वली थे परस्तार मेरे, हुए मीर व गालिब तलबगार मेरे, सुरूर और चकबस्त वो सरशार मेरे, हैं अपने पराए तरफदार मेरे, बड़ी खुश अदा हूँ, बड़ी खुश बया हूँ, मैं उर्दू ज़बान हूँ, मैं उर्दू ज़बान हूँ। राजा फरमाइए, मेरी नस्र दिलकश, मेरी नज्म रंगीन, मेरी नस्र दिलकश, मेरी नज्म रंगीन, मेरी फिक्र से पस्त है माहू परवीन, न समझे जमाना मुझे कोई खुद भी, मुझे जेब देता है एहसास तमकीन, कभी राह रोशनी, मुझे जेब देता है एहसास तमकीन, कभी राह रोथी परफकार वाहूं, मैं उर्दू ज़बान हूँ। मेरी नस्र दिलकश, मेरी नज्म रंगीन, मेरी फिक्र से पस्त है माँ वो परवीन, न समझे जमाना मुझे कोई खुद भी, मुझे देता है एहसास तमकीन, कभी राह रोती पर अफकार वहाँ हूँ, मैं उर्दू ज़बान हूँ। ये आखिरी बंद है, ये जामिया उस्मानिया का जो एक शोभा था, शोभा डिपार्टमेंट जहाँ तर्जुमे होते थे और दारुल तर्जुमा, तो मुख्तलिफ ज़बानों से उर्दू ज़बान में तर्जुमे उस तरफ इशारा है। हजारों सदफ इल्म के मैंने चीरे, हजारों सदफ इल्म के मैंने चीरे, कई मादनों से निकाले हैं हीरे, हजारों सदफ इल्म के मैंने चीरे, कई मादनों से निकाले हैं हीरे, बसत कद्दू काविश मगर धीरे धीरे, किए जमा दामन में इल्मी जखीरे, मैं अब कौम की दौलत जावेदा हूँ, मैं उर्दू ज़बान अगली नशिस्त के लिए मिर्ज़ा इरफ़ान बेग को इजाज़त दीजिए। आदाब।